हेलो लेट्स गो फैमिली, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। सो चलिए देखते हैं कजट की बाकी वीडियो। चिकन बिरयानी, ओहो, और ये है सुबह के लिए बनाया था पर आप लोगों ने धोखा दे दिया। एक चिकन स्टू बना हुआ है, बहुत स्वादिष्ट बना है। अभी चेकवास्टर वेजिटेबल है, ये है अपना रायता का सामान, और ये सबसे मेन अट्रैक्शन है चंपारण चिकन, जिसकी कोशिश की कर रहा हूँ मैं पहली बार। ये मटका लाया गया है, बाहर आग जलेगी, आग में ये मटका जाएगी और चंपारण चिकन उसमें बनेगी, पर वो रात का है। अभी दोपहर का मेनू सिर्फ बिरयानी और रायता और स्टू बनाया हुआ था। तो दादा कर रहे थे यहाँ लंच की तैयारी और हम लोग म्यूजिक सुन रहे थे, फल खा रहे थे, और उसके बाद मैंने थोड़ा अपने लिए वीडियो भी बना लिया इंस्टाग्राम और बाकी रील्स के लिए। ये अपनी बिरयानी बन गई है और हम बिस्मिल्लाह करने बैठ गए हैं। है जे बापीदा लुढ़क गए हैं, यहाँ सौरभ बैठे हुए हैं, इधर दादा बैठे हुए। बापीदा का चरित्र का हनन मत कीजिए, उनकी शादी। शादी कौन करने वाले हैं बापीदा से शादी? आप विक्रांत भाई को विक्रांत भाई उधर पास करेंगे। अभी बिरयानी चोर कुकुर खेलते वैसा। अभी सौरभ द्वारा टाइम क्यों हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 4:48 हो रहा है और दादा सुबह के 3:30 से 4 बजे सोए हैं और 6:30 के आसपास जब मेरी हल्की सी आंख खुली थी तब वो किचन में हमारे लिए चाय और ब्रेड बटर बना रहे थे, और तब का टाइम है, और अभी दादा ने कहा 4:48 हो रहे हैं, तब तक वो किचन में ही खड़े थे, वहां से हिला नहीं हो बदला। ओ कैमन हो चे? खूब टेस्टी हो चे। बापिदा कैमन? बापिदा अलग दुनिया में है। छोड़ा कैसा जन्नत और जहन्नम के बीच में कहीं घूम रहे? अभी बताओ जुनैद। शबीर विक्रांत खाया अभी तक? जिसने स्टार्ट किया सबका सबका होगा, देखना सब क्या होगा भाई, वो तो उसको बता दो ना। वीडियो वीडियो फर्स्ट बाइट आपको कैसा लग रहा है? ले सकते हो, तुम्हें आलू मिलो तो कम जाएगा। आपको कैसा लग रहा है दादा? अपनी मैं 40 दे सकता हूँ स्वामी। बग नहीं एक नंबर। हाँ विक्रांत सबसे बड़े हैं, 90% ऊपर ही मिला है तुम्हें। 95 जैसे कि आपने देखा बिरयानी सबको बहुत अच्छी लगी, उसके बाद गुलाब जामुन भी था और हमने पेट भर के सब कुछ खाया। मैंने तो 2 गुलाब जामुन खाया था, और उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट किया, शाम को घूमने गए हम लोग। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत, हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे, मैंने वीडियोस भी बनाए, बहुत खूबसूरत। और उसके बाद हम मटन ढूंढने गए, सब आ चुके हैं, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिखाता हूँ, हाय मैं थक गई हूँ। अरे वैसा वाला हाय बोलना था देवो दीदी। हाय। अरे यार ये हमारे सौरभ दा। उतना नहीं थका हूँ पर हाँ थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। जय श्री दी। और इधर दादा है, आते ही करन तो डिश का नाम क्या दादा जरा बताएंगे? मटन झोल या तो मटन झोल होगा। ओके देख रहे हैं करण भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं। करण भाई ये क्या कर रहे हो आप? दादा की बहुत मशक्कत चल रही है इसीलिए लगे हुए हैं। कल का प्रेपर में अभी पता नहीं क्या मतलब क्या बनाएंगे, अभी तो सब डिसीजन। ओके एक तरफ देख सकते हैं आप, सब चारों खाने चित पड़े हैं, और इधर एक दादा हैं और करण भाई हैं। इन दोनों के चेहरे पे थकावट बिल्कुल नजर नहीं आ रही है।
और शाम को चाय पीने के बाद यहाँ चल रही है तैयारी चंपारण चिकन बनाने की। तो ईटा जो है वो जुगाड़ करके लाया गया दादा करण दादा जुनेद मिलके, मैं तो सिर्फ वीडियो बना रही थी। तो इन लोगों ने जुगाड़ किया, साथ में मौसी भी थी जो वहाँ रहते हैं, तो सब मिलके जुगाड़ किया। आग जलाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे, और मैक्सिमम काम तो करण दादा ने ही किया, ये छोटू भी था वहाँ पे। और ये दादा ला रहे हैं चंपारण की हंडी जो आग में बिठाया जाएगा, और लकड़ी भी दादा जुगाड़ करके लाए, बाप रे बाप करण दादा और दादा। क्योंकि बारिश में ना लकड़ी भीग चुकी थी पूरी, तो बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी लकड़ी जलाने में, बहुत ज़्यादा आप देख सकते जल ही नहीं रही थी लकड़ी। बाद में जिन्होंने ये काम पूरा किया वो और कोई नहीं है, वो है शैबी। शैबी नहीं रहता तो हम चंपारण चिकन बना ही नहीं पाते, क्योंकि आग उसी ने जलाया है अल्टीमेटली। और उसके बाद जो आग जली और चंपारण चिकन जो बनी, क्या बात है, आप देख सकते हैं। ये करण भाई ने रख दिया है हांडी, ये बहुत पहली रेसिपी बनी हुई है। अभी क्या बोलते हैं वो नाम भूल गया, चिकन चमत्कारी, चिकन चमत्कारी नहीं नहीं चंपारानी, चंपाकली, चंपारानी, चंपारान। तो आप देख सकते हैं दोस्तों चिकन चंपारण किस तरह से खोल रहा है, खोल रहा है, पता चलेगा ये बहुत खाने के बाद पता चलेगा कितना। तो करण भाई ये आ गई देवो दी, तो दी कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस विद चिका चंपारण? अभी क्या है इसके ऊपर जो आता है वो खा भी जाएगा, लवली बापिदा जुनेद आप इस प्यास से ही समझ सकते हैं। अगर ये ग्रुप में जा रहा है सब मटन वाले की बोल दो, मटन आ चुका है, मटन आ चुका है, जस्ट वाओ। आप मुझे बताओ, तो चिकन चंपारण तो हिट थी, और उसके बाद शैबी का लाया हुआ काजू कतली खाया हम लोगों ने, और थोड़ा सा म्यूजिक सुना, और बारी आ गई सोने की। दूसरे दिन क्या हुआ वो जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।